पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो मुझे दिखा दो। बजट का हर एक रुपया हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, पूछा नरेंद्र मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हो, मुझे बताओ 90 अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं। नरेंद्र मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। आज इतनी शर्म की बात है, आज प्रधानमंत्री देश को कहता है कि ओबीसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान में जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों की क्या जात है, गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं, ये गरीब हैं। आप शब्दों के पीछे मत छुपो, आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। अब भाइयों और बहनों 90 लोग इस देश को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी और 90 लोग। प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, आप देख लीजिए, आपको एक ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो मुझे दिखा दो। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, 10 साल में उन्होंने एक कपड़ा दो बार नहीं पहना। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 साल हर रोज अपना कपड़ा बदला हो? एक व्यक्ति है यहाँ पे? एक नहीं है। भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी और 90 लोग इस देश को चलाते हैं। बजट का हर एक रुपया हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। सेना को कितना पैसा मिलेगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। पीने के पानी में कितना बजट का पैसा जाएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी पूछ रहा है 90 लोगों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और जैसे मैंने ये सवाल पूछा नरेंद्र मोदी कहता है जाति कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों 90 में से 3 ओबीसी 3 आदिवासी, फिर से सुन लीजिए, 90 में से 3 ओबीसी 3 आदिवासी। और मजे की बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहाँ पे ओबीसी लोग युवा चौंक गए होंगे, हमारी आबादी 5% तो नहीं है, ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है। तो अगर ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है तो फिर उनकी हिस्सेदारी 5% क्यों है, नरेंद्र मोदी जी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%। भाइयों और बहनों आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर है वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ ये शर्म की बात है, ये आदिवासियों पर अपमान है। भाइयों और बहनों आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं।